खिलचपुर क्षेत्र के माचलपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब ले जाते तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने वाहन सहित लाखों की शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने एक टीम का गठन करके वाहन चेकिंग की। जहां राजस्थान की तरफ आ रही बोलेरो वाहन का चालक पुलिस को देखकर वाहन को छोड़ भागने का प्रयास करने लगा, मगर पुलिस की सक्रियता से उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से अवैध 37 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बोलेरो वाहन जब्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर मामला पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है। ये जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए थाना प्रभारियों को कि जो भी माफिया हैं, चाहे वो अवैध शराब से संबंधित हों, नशे के कारोबार से संबंधित हों या जमीन संबंधी हों, तो उन सभी के विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था माचलपुर पुलिस के द्वारा। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अंतर्राज्यीय अवैध शराब के कारोबार के कुछ लोग अपनी इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके ऊपर से कल वाहन चेकिंग लगाई गई थी और बस स्टैंड माचलपुर पर एक वाहन को जब्त किया गया है, जो सफेद रंग का बुलेरो है, राजस्थान पासिंग है, और उसमें अवैध शराब की 37 पेटियां, जो कुल 319 लीटर अवैध शराब है, 3 ब्रांड 4 ब्रांड की ये शराब है, और एक आरोपी को भी उसमें पकड़ा गया है, और करीब 1.5-2 लाख रुपए की ये शराब है और 8 लाख का वाहन है। इस प्रकार से कुल 9,18,848 रुपए का मसरूबा जब्त किया गया।